हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एग्ज़ामपुर हम लोग एन क्लास सेवन्थ जो डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वाटर एन का जो चैप्टर है क्लास सेवन के वाटर उस चैप्टर को फर्दर डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे लास्ट uh, क्लास में मैंने लगभग आधा चैप्टर का डिस्कशन कर दिया था उसके जो रिमेनिंग पोर्शन उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे लास्ट में मैंने आपको जो डिस्कस किया था उस चीज़ को आप देखो यहाँ पे कि हम लोगों ने देखा था ओशनिक सर्कुलेशन क्या होता है ओशनिक सर्कुलेशन में मैंने आपको ओशनिक वेव्स टाइट्स एंड करेंट्स हम लोगों ने देखा था इसके बेस पे ओशन में सर्कुलेशन होता है जिसमें मैंने आपको वेव्स बताई थी वेव्स के बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुनामी के बारे में ठीक है यानी सुनामी सुनामी क्या होती है तो मैंने आपको बताया था कि हार्बर्स की तरफ आने वाली जो वेव्स होती हैं उन्हें सुनामी कहते हैं और इन वेव्स का जनरेशन जब ओशनिक पार्ट में अर्थक्वेक की कंडीशन बनती है तो उस ओशनिक पार्ट में अर्थक्वेक की कंडीशन बनने की वजह से यहाँ पे क्या होता है वेव्स जनरेट होती हैं और वो सुनामी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है सुनामी जो है वो अगर इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो लास्ट टाइम सुनामी आई थी वो आई थी ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड फोर ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड फोर को इंडिया में लास्ट सुनामी आई थी और उस लास्ट सुनामी की वजह से इंडिया का जो सदर मोस्ट पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं इंदिरा पॉइंट वो वो जो सबमर्ज हो चुका है तो प्रेजेंट टाइम में जो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है ये क्या हो चुका है सबमर्ज हो चुका है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में सुनामी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि सुनामी होता क्या है और इससे डैमेजेस क्या होते हैं आप डिटेल में भी इनके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट हमें जो जहां से डिस्कस करना है वो है टाइट्स यानी नेक्स्ट क्या है टाइट्स या इसको जो लोग लो हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसे हम लोग ज्वार कहते हैं ठीक है टाइट्स या ज्वार गुड आफ्टरनून टू एवरी वन क्लियर देखो टाइट्स

और एक बार उसमें डाउन होता, होता, होता है तो जो होता है पर डेस बार, बार तो फॉल को हम लोग राइस करता है तो उसे टाइट बोला जाता है और जब वाटर फॉल करता है या डाउन होता है तो उसे हम लोग एप कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि रिदमिक राइज एंड द फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड द टाइट यानी एक रिदम में यानी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में ये राइज होना ही होना है और फॉल होना ही होना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइट कहते हैं और ये ठीक है इसी को हम लोग टाइट कहते हैं इट इज ए हाई टाइट वेन द वॉटर कवर्स मच ऑफ द राइजिंग टू इट्स हाइएस्ट लेवल इट इज द लो टाइड वेन द वॉटर फॉल्स टू इट्स टूस्ट लेवल एंड द फ्रॉम द शोर ठीक है होता क्या है कि कई बार जो टाइट होता है उसमें वाटर राइजनेस बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम लोग हाई टाइट कहते हैं और जिसमें है, तो है, वाटर तो कम होती है तो उसे हम लोग जो है वो लो टाइट कहा जाता है यानी हाई टाइट में जब राइजनेस ज्यादा होती है तो हाई टाइट और जब राइजनेस कम होती है तो उसे लो टाइट कहा जाता है ठीक है तो लोवेस्ट लेवल पे जब वाटर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है लो टाइट और जब किनारों पर वाटर हाईएस्ट लेवल पे होता है तो इसे कहा जाता है हाई टाइट देखो इसके पीछे का एक मैकेनिज्म होता है पूरा सिस्टम होता है इस सिस्टम होता है जिसमें हम लोगों को समझना होगा कि क्या मैकेनिज्म होता है इसको आप देखो यहां पे देखो ये सन है ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है ठीक है जिस आप देखो कि ये जो अर्थ है हमारी ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी ठीक है इस तरीके से रिवॉल्व करेगी और ये जो मून है, है? है।, है और अर्थ सन के इस मूवमेंट की वजह से कई तीन कंडीशन बनती है यहाँ पे कंडीशन क्या क्या हो सकती है कई बार होता है कि सन जो है सन और अर्थ एक लीनियर फॉर्म में और जो मून है वो इस तरीके से तो यहाँ पे राइट एंगुलर कंडीशन यहाँ पे बनती है ठीक है कई बार होता है कि सन मून और अर्थ तीनों एक लीनियर फॉर्म में होते हैं यानी सीधे फॉर्म में होते हैं या एक साथ होते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं इस कंडीशन को कहा जाता है सिजगी सिजगी यानी इस कंडीशन को क्या कहा जाता है सिजगी. तो सिजगी वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में अर्थ मून और सन दोनों तीनों एक लीनियर फॉर्म में होते हैं और ये कंडीशन दो बार हो सकती है एक बार हो सकता है कि सन और अर्थ के बीच में मून हो जाए और एक बार सन और अर्थ जो सन और मून के बीच में अर्थ हो जाए यानी अगर ये मून ऐसे मूव करता है तो मूव जब मून यहां पे आएगा तब लीनियर फॉर्म बनेगा और फिर इधर से जाने के बाद में मून जब यहां पर जाएगा तब लीनियर फॉर्म कंडीशन बनेगी ठीक है तो ऐसी स्थिति में में ऐसी कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है कि दिस कंडीशन इज नोन एज द सिजगी ठीक अब हमने ये देखा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो फोर्स है यानी जो पुल है वो मून का भी होता है और सन का भी होता है

और साथ ही साथ में सन का जो टाइडल फोर्स होता है या ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कलेक्टिवली वर्क करता है लेकिन जिसका इफेक्टिव ज्यादा होता है यानी किसका इफेक्टिव ज्यादा होता है तो आपको ध्यान रखना है इफेक्टिवनेस जो होती वो है वो मून के पुल की ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सन के इवन सन बड़ा है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसका इफेक्ट कम हो जाता है मून छोटा है लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से उसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है ठीक है द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन ऑफ द मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइट ठीक है यानी जब हमारे अर्थ पे जो वॉटर होता है वो मून के इंफ्लुएंस में आता है तो जब उनके द्वारा पुस्ट किया जाता है तो वो हाई टाइट का फॉर्मेशन करता है यानी हाई टाइट ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डे इज द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन ठीक है देखो दो, दो फिनोमिना होती है, है? मतलब है जब हमें मून पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है और न्यू मून का मतलब होता है जब हमें मून जो है बहुत यानी मून दिखाई नहीं पड़ता है ठीक है फुल मून में मून पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है और न्यू मून में मून हमें कम दिखाई दिखाई नहीं पड़ता है ठीक है तो ऐसे कंडीशन में आप देखो कि इन दोनों कंडीशन में फुल मून और न्यू मून की कंडीशन में यानी जो फुल मून कंडीशन होती है और न्यू मून की कंडीशन होती है इस कंडीशन में कंडीशन कंडीशन बनती, बनती है अब देखो यहीं पे आप लोग जो है ये देखो कि हमारी अर्थ जो है अगर मून अर्थ सन और अर्थ के बीच में आ जाता है यानी जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा

और अर्थ अगर सन और मून के बीच में आ जाएगी तो मून में जो लाइट जा रही है सन से वो मिलना बंद हो जाएगी तो नाइट के ड्यूरेशन में आपको मून जो है वो दिखाई बंद हो जाता है तो इसे कहा जाता है लूनर इक्लिप्स ठीक है तो लूनर इक्लिप्स और जो है सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझ लो ठीक है तो यहां पे बताया गया कि जो मून है उसके टाइडल ट्रा, पुल के अंतर्गत आकर के हमारे यहाँ पे हाई टाइट की कंडीशन बनती है और न्यू मून और फुल मून के समय क्या होता है कि अर्थ जो और अर्थ मून और सन uh, एक लीनियर फॉर्म में होते हैं और उसी लीनियर फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं सिजगी कहा जाता है ये कंडीशन रखना बट वेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन टू डाइगॉनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द अर्थ रिजल्टिंग इन टू द लो टाइट दिस टाइट और नीब टाइट देखो जब मून और अर्थ इस टाइप से इस कंडीशन में होंगे यहां पर होंगे तो ऐसे कंडीशन में मून पे यानी जो अर्थ पे वाटर होगा उस पर जब फोर्स जनरेट होगा तो ऐसे में मून का इफेक्ट वहां पे क्या होगा ज्यादा होगा और मून का इफेक्ट ज्यादा होगा और साथ ही साथ में सन का भी इफेक्ट ज्यादा होगा तो सन और मून के द्वारा दोनों का पुल एक ही डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और जब दोनों का पुल एक ही डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो ऐसे में जो टाइड होगा वो हाई टाइड होता है और यहाँ पे जहां पे मून एक मतलब मून जो है वो अर्थ के इस कंडीशन में है तो इस कंडीशन में मून क्योंकि नजदीक है तो इस कारण से पे हाई का जनरेशन होता है और सन के द्वारा इस कंडीशन में बट तो तो अगर ये दोनों होती होती हैं पे हाई की जनरेशन लेकिन अगर आप देखो कि अगर ये कंडीशन होती है यानी मून जो है यहाँ पे है और सन यहां पे है तो मून के द्वारा फोर्स इधर जनरेट किया जाएगा तो वाटर इधर की तरफ जाएगा और सन के द्वारा फोर्स इधर जनरेट किया जाएगा तो वाटर इधर की तरफ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हाइड जो टाइट है उसकी वो जो है वो ज्यादा पुल नहीं हो पाएगा वहां पे पुल जो है क्योंकि बैलेंस कर दिया जा रहा है इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है और इधर की तरफ तो ऐसे में दोनों मिलकर बैलेंस कर ले रहे हैं तो उस जो ऐसे टाइट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं नीप टाइट कहा जाता है तो नीप टाइट की कंडीशन ये जब अर्थ सन और मून इस कंडीशन में होते हैं और हाई टाइट कब होगा जब ये लीनियर फॉर्म में होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है सिंपल आप यहाँ पे फिजिक्स का रूल देखो का रूल देखो कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे या किसी जगह पे एक ही तरफ पुल लगेगा दोनों दो ऑब्जेक्ट दो के द्वारा तो जब पुल एक तरफ लगेगा तो इसके द्वारा पुल जब का जो रिजल्ट होगा वो ज्यादा होगा तो जो चेंज होगा या जो खिंचाव होगा वो ज्यादा होगा तो जब टाइड यानी जब मून uh, का जो प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ से प्रेशर नहीं लगाया जाता या पुल नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हाई टाइड होता है और अगर एक आप इधर की तरफ पुल कर रहे हो और दूसरा इधर की तरफ पुल कर रहा है तो ऐसे में ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे से जो है वो बैलेंस होते जा रहे हैं और बैलेंस होने पर नीप टाइट की कंडीशन बनती है ठीक है तो टाइट की कंडीशन बट वेन द मून इज इन इट्स हाफ फर्स्ट एंड हाफ क्वार्टर द ओशन दिन टाइट ठीक है? जो high tides होते हैं ये navigation में help करते हैं। हैं हैं। हैं हैं ये 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 में 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 करते 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 यानी क्या कैसे इसको हम लोग देखते कि किस तरीके से हेल्प करते हैं देखो जब टाइट जब आएगा मान लो ये उष्णिक रीजन है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट का पार्ट है यहाँ पे वाटर पार्ट ठीक है सपोज करो वाटर यहां तक आता है अब कोई अगर नाव जो है वो यहाँ तक आती है और उस नाव को यहाँ तक पहुँचना है यानी उस बोट को ऊपर पहुँचना है तो ऐसे में जब हाई टाइड आएगा तो ये वाटर लेवल बढ़ जाएगा और वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये जो बोट है वो सीधा यहाँ तक पहुँच जाएगी ठीक है तो ऐसे में हाई टाइड क्या करते हैं वाटर को शोर तक पहुंचा देते हैं और जब वाटर को शोर तक पहुंचा देते हैं तो ऐसे में यहां पर जो वेसल्स होते हैं उनको यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है या यहां पे जो शिप्स वगैरह होती हैं उन शिप्स को इजीली हम लोग इनलैंड पार्ट में या बिल्कुल कोच तक पहुंचा सकते हैं ठीक है, क्लियर तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि टाइट्स से क्या होता है कि ये हमें हेल्प करते हैं किसमें नेविगेशन में ठीक और दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव इन दाव मोर इज़िली। और जब वाटर होता है तो ऐसे में ये इजिली पहुंचा देते हैं ठीक है द हाई टाइट्स ऑल्सो हेल्प इन द फिशिंग मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइट्स देखो कुछ फिशे होती हैं जो ज्यादा वाटर में रहती हैं और ऐसे में जब हाई टाइड होता है तो वाटर लेवल जब बढ़ेगा वाटर जब बढ़ता है वाटर का तो वो कोस्टल पार्ट पे यानी शोर पार्ट पे यानी जो किनारे होते हैं वहां तक पहुंच जाती है तो ऐसे में वो मछलियां जो ज्यादा पानी में रहती हैं वो भी कहां पे आ जाती हैं कोस्टल पार्ट में आ जाती हैं और जब वो कोस्टल पार्ट पे आ जाती हैं तो ऐसे कंडीशन में उनकी फिशिंग ईजिल किया जा सकता है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हाई टाइट से हमें क्या हो सकता है कि एक तो हम शिप वगैरह को या हमारे जो जहाज होते हैं उनको कोस तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल कोस्ट तक इजिल एस, पहुंचा सकते हैं दूसरा जो शिपिंग वगैरह होती आ, फिशिंग वगैरह होती है उस फिशिंग वगैरह में इनके द्वारा हेल्प पहुंचाया जाता है क्योंकि ये फिशेज वगैरह को इधर ट्रांसफर कर देते हैं दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अटीफुल कैच द राइज एंड द फॉल्स ऑफ वाटर ड्यू टू द दाइट्स इज बींग यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम प्लेस ठीक है अब आप देखो कि जो ये टाइट्स होते हैं इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब ये हाई या जब हाई टाइट्स आते हैं तो टाइट्स जब आते हैं तो यानी सी लेवल राइज होगा और उनके द्वारा जब आ, सी लेवल राइज होता है तो उनके में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो सकता है ये आपको ध्यान रखना है यहां पे ठीक है तो टाइट्स क्या होते हैं अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं ओशन सर्कुलेशन में नेक्स्ट जो है ओशन करंट ओशनिक करंट क्या होता है इसको आपको पता होना चाहिए ओशनिक करंट क्या होता है ओशनिक करंट को कैसे हम लोग समझेंगे देखो ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन ठीक है देखो यहां पर स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर जैसे आप अपने लैंडमार्क में मूव करो तो आपको एक स्ट्रीम ऑफ वॉटर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स यानी क्या बोलते हैं उसे रिवर्स कहते हैं या नदी कहते हैं तो जैसे हमारे लैंड सरफेस पे रिवर से एक डेफिनेट डायरेक्शन में एक स्ट्रीम में फ्लो होती रहती हैं वैसे ओशनिक सरफेस पे अगर वाटर का एक स्ट्रीम वाटर की एक stream, एक स्ट्रीम डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है तो उसे उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे कहते हैं कहते ओशनिक करंट तो ओशनिक करंट को आपको अपने माइंड में सेट करने के लिए कैसे इमेजिन करना है कि जैसे लैंड पे रिवर फ्लो होती है वैसे वाटर बॉडी के ऊपर वाटर का एक एक जो है स्ट्रीम फ्लो हो जाए एक ही डायरेक्शन में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ओशनिक करंट कहा जाता है Vapes में मैंने आपको बताया कि एनर्जी ट्रांसफर होती है आगे की तरफ और जो वाटर बॉडी होते है वो आपस में, आपस करते हैं और मूव है पूरा पूरा करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में तो ये करंट और वेव में डिफरेंस होता है इन दोनों डिफरेंसेस को आपको ध्यान में रखना है ठीक है द ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट क्या हो सकते हैं वार्म हो सकती है या कोल्ड हो सकते हैं इसके पीछे आप समझो कि कैसे इसको हम लोग वार्म या कोल्ड में बता सकते हैं देखो सीधी सी बात है वार्म और कोल्ड ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये रिलेटिव होते हैं यानी ये कैसे होते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है जैसे कोई चीज वार्म है या कोई चीज कोल्ड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है कहां से किया जा रहा है ठीक है उसका कंपैरिजन कहाँ से किया जा रहा है किस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है और मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में ये बताया है कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ पे जो इक्वेटोरियल पार्ट है और ये पोलर रीजन जो है यानी ये जो पोल का एरिया है दोनों साइड में यहाँ पर टेम्परेचर क्या है डाउन है कम है और जो इक्वेटर का पार्ट होता है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे दोनों साइड में यानी नॉर्दर्न और सदर्न दोनों साइड में तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ोगे हमेशा टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा यानी टेम्परेचर हमेशा क्या होगा है है डिक्रीज होता तो अगर आप इक्वेटर के पास में रहोगे तो टेम्परेचर हाई होगा और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओ यानी आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या साउथ पोल की तरफ जाओ तो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा क्लियर यहां तक की बात है अब आप सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से अगर इधर की तरफ जा रहा है किधर जा रहा है यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है ठीक है ठीक तो इक्वेटर से अगर ये मूव करना स्टार्ट किया तो इक्वेटर के पास में इसका यहां पे अगर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा होगा या कम होगा या मान लेते हैं कि एक ओशन करंट है वो ओशन करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है तो यहां पर अगर आप अपने आप को खड़ा कर दो कि अगर हम यहां पे खड़े हैं तो यहां से आने वाला वाटर आपको कैसा रियलाइजेशन करवाएगा का का या कोल्डनेस तो यानी अगर आप किसी ठंडी जगह पे खड़े हो और गर्म जगह से एक वाटर आ रहा है तो वो वाटर कैसा आपको रियलाइज होगा गर्म रियलाइज होगा, होगा ना वो कैसा दिखाई पड़ेगा आपको मतलब कैसा रियलाइजेशन करवाएगा वो वार्मनेस का रियलाइजेशन करवाएगा तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जब ओशन करेंट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी तो लो टेम्परेचर पे यहाँ पर यहाँ के लिए इसका नेचर कैसा होगा तो यहाँ के लिए इसका नेचर कैसा होगा वार्म नेचर होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो विंड जहां से जिधर से जिधर को मूव करती है उसकी डायरेक्शन जहां से चलती है उसके आधार पर लेते हैं तो वैसे ओशन जो है ओशन करेंट जिधर से मूव करती है जिधर के लिए यानी जिस डायरेक्शन को मूव करती है वहां से उसका कंसिडरेशन किया जाता है सिंपली आप देखो कि अगर कोई ओशन करंट यहां से यहां के लिए जा रही है तो यहां पे कोई खड़ा इंसान होगा तो उसको वो वार्मनेस का फीलिंग करवाएगी तो इसका मतलब ये करंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वार्म वार्म करंट करंट है है कैसे और कहां के रिस्पेक्ट में देखेंगे जिधर की तरफ मूवमेंट हो रहा है ठीक है अगर यहां से कोई करंट यहां की तरफ जा रही है तो यहां पर अगर कोई बंदा इसको देखेगा या इसको रियलाइज करेगा तो उसके लिए भी ये कैसी होगी वार्म करंट होगी ठीक है लेकिन अब आप सोचो कोई एक करंट है जो कि इधर से यहां के लिए चल रही है या इधर से इधर की तरफ चल रही है तो आप ये बताओ कि यहां का टेम्परेचर क्या होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा यहां का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होगा तो अगर यहां से कोई वाटर बॉडी जा रही है और यहां पर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है तो इसके लिए इसका नेचर कैसा होगा ये कोल्ड होती है यानी ये कैसे रियलाइजेशन करवाएगी तो ये कैसा रियलाइजेशन करवाएगी कोल्ड आप यहाँ पे इस बेसिस पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कोल्ड और वार्म कैसे डिसाइड करते हैं आपको यह समझना है एक सिंपल से कि अगर कोई भी करंट जो है वो इक्वेटर से यानी कोई भी करंट इक्वेटर टू पोल की ओर मूव कर रही है यानी कोई भी करंट अगर इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रही है तो उसका नेचर हमेशा कैसा होगा वार्म नेचर होगा यानी कैसा नेचर होगा वार्म नेचर होगा पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है और अगर कोई करंट पोल से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है यानी पोल टू इक्वेटर यानी इसकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है पोल टू इक्वेटर तो हमेशा इसका नेचर कैसा होगा कोल्ड चाहे वो पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करे चाहे यहां से यहीं से इधर की तरफ मूव करे तो यहां की तुलना में ये टेम्परेचर क्या होगा डाउन होगा तो ये भी इसका नेचर भी कैसा होगा कोल्ड होगा ठीक है चाहे कोई भी विंड यहां यानी कोई करंट यहां से यहां की तरफ जाए तो यहां से जा रही है यहां पे यहां की तरफ जा रही है तो इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा तो यहां पर भी इसका टेम्परेचर क्या यानी ये कैसे होगी वार्म करंट होगी आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो क्वेश्चन यानी आप जो है कमेंट कर दीजिएगा ठीक है बात समझिए एक कॉमन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी विंड की यानी किसी भी ओशन करंट की डायरेक्शन पोल की तरफ है यानी कि इधर पोल की तरफ डायरेक्शन है भले वो कहीं से भी जा रही है अगर वो पोल की तरफ जा रही है तो उसका नेचर गर्म होगा और अगर वो इक्वेटर की तरफ जा रही है तो उसका नेचर हमेशा वार्म होगा वो किसी भी प्लेस पर हो ठीक है ये बात आपको यहां पे क्लियर हुई समझ में आई ठीक है तो वार्म करंट और कोल्ड करंट का कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्लियर होता है हो गया होगा ठीक है जनरली ओशन करेंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर एंड द मूव द दोल्स द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू द हाइयर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड ठीक है the pools, the latitude, सेम बात वही जो मैंने आपको अभी समझाया ठीक है कि जो कोल्ड विंड कोल्ड करेंट्स होती हैं वो हायर लेटिट्यूड मीन्स क्या हुआ पोल क्योंकि पोल के पास में नाइन्टी डिग्री का लैटीट्यूड है और लोअर लैटिट्यूड लोअर लैटिट्यूड का मतलब इक्वेटर की तरफ क्योंकि इक्वेटर की तरफ आओगे तो जीरो डिग्री तो नाइन्टी डिग्री यानी हायर लेटीट्यूड से जीरो डिग्री यानी लोअर लैटीट्यूड की तरफ मूव करती हैं कौन सी कोल्ड करेंट और लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ कौन मूव करती हैं वो वार्म करेंट्स होती हैं ठीक है द लैब्राडोर ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट देखो लेब्राडोर ओशन करंट यानी एक करंट का नाम दिया जा रहा है हमारे यहाँ पे जो वर्ल्ड में जो यूएसए का रीजन है यूएसए या नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में हमारा जो इस कंट्री है उसका नाम है कैनेडा कैनेडा के पास में एक जो है सी है जिसको हम लोग कहते हैं लेबराडोर सी उस लैब्राडोर सी से

इस टेम्परेचर को डाउन भी करती हैं। ठीक है वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सर्फेस द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करेंट्स में प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड ठीक है एक्चुअली होता क्या है कि जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट ये दोनों मिलती हैं जहां पर ये दोनों करंट मिलती हैं तो जब दोनों एक करंट मिलते हैं यानी एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी एक तरफ से ठंडा पानी और दूसरी तरफ से गर्म वाटर तो जब कोल्ड वाटर और गर्म वार्म वाटर दोनों मिलते हैं तो मिलने के कारण से यहाँ पे फॉगी कंडीशन डेवलप हो जाती है यहाँ पे एडवर्स ऑफ टेम्परेचर हो सकता है थर्मल इन्वर्जन हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे फॉगी कंडीशन हो जाता है यानी यहाँ पे बड़ी मात्रा में फॉग की कंडीशन बन जाती है और साथ ही साथ में जो ओशनिक सरफेस होता है वहां पे इतनी फेवरेबल कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से इस रीजन में फाइटो यानी जो फाइटो होते हैं इन फाइटो के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है तो जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं उनके मिलने की वजह से फाइटो प्लैक्टन्स के लिए वहाँ पे बहुत ही सुटेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है और फाइटो प्लैक्टन्स के लिए जो सुटेबल कंडीशन डेवलप होती है उस सुटेबल कंडीशन की जो फाइटो प्लैंगटन वहाँ पर ज्यादा होंगे और ये जो फाइटो प्लैंगटेंस होते हैं इनको यानी ये क्या होते हैं एक्चुअली इनको जो फिश होती हैं वो अपना फूड के रूप में इसको कंज्यूम करती हैं या फाइटो प्लैंटन जहां पर होते हैं वहीं पर जू भी हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो फाइटो और जुओ के होने की वजह से यहाँ पे फिशिंग के लिए या फिशेस के लिए बड़ी मात्रा में फ़ूड अवेलेबिलिटी हो जाती है अवेलेबिलिटी हो जाती है और जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी होगी वहीं पर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा तो ऐसी कंडीशन में इस एरियाज में यानी इन एरियाज़ में जहाँ पर कोल्ड करेंट और वार्म करेंट मिलती हैं वहाँ पर फिश बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं और इसीलिए ये फिशेज या फिशरीज के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और ये यू में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के प्रलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है 2015 में ठीक है 2014 या 15 में यूपीएससी के में क्वेश्चन आया है कि जो है वो फिशरीज के लिए या मछलियों के लिए सबसे ज्यादा फिशर्स के लिए सबसे बेहतर कंडीशन कहाँ पर होती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जहां पर ओशन करंट वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं वहां पर इसके लिए बेहतर कंडीशन डेवलप होती है सीज अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल्स ठीक है यानी हमारे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और जापान के क्षेत्र में जो सीज हैं, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं इसका यानी वहां पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है, जैसे आप ये मैप देखो ये मैप आपको दिखाई पड़ रहा होगा अब ऐसे में ये वाला जो एरिया यहां पे यहां पे जापान है ठीक है और ये पैसिफिक ओशन है ये जापान का रीजन है ठीक है जापान में यहाँ पे एक रिवर आती है यानी एक स्ट्रीम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओयोशिवो यानी एक स्ट्रीम है या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक जो है करंट औिक करंट और ये औष्णिक करंट इक्वेटर की तरफ से आ रही है देखो इक्वेटर इस तरफ से आ रही है तो ये कैसी होगी नेचर में इसका नेचर है कोल्ड करंट के रूप में तो जापान के पास में एक करंट आ रही है जिसका नाम है ओया शिवो ठीक है इसका नाम और वहीं से इक्वेटर की तरफ से एक करंट जा रही है जिसका नाम है क्यूरोशिवो यानी एक दूसरी करंट है जिसका नाम क्या है क्यूरोशिवो तो क्यूरो साउथ की तरफ से जा रही है और यो ओयो जो है वो पोल की तरफ आ रही है तो ये कोल्ड हुई और इसका नेचर क्या होता है इसका नेचर होगा वार्म तो ओयो और क्यूरो शिवो जहाँ पे मिलेंगी यानी जापान के रीजन में यहाँ पे जब ये मिलती हैं तो मिलने के दौरान मैंने आपको बताया कि वो सारी कंडीशन जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर फाइ फाइटो के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो जाती है उनका उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है और उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है तो जो फिशस फिशिज होती हैं उनको वहाँ पे बड़ी मात्रा में फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे फिशरीज या फिशेस के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन होती है तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आप देखो ये कंडीशन दिखाई पड़ती है दूसरी बात जिस हम लोग देख रहे थे लेब्राडोर करंट तो ये इक्वेटर यानी ये कैनेडा का रीजन है और यहाँ से इधर के रीजन से एक करंट आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबराडोर करंट और ये हमारी है गल्फ स्ट्रीम करंट और गल्फ स्ट्रीम जाकर के इस रीजन में क्या होते हैं मिल जाते हैं और जब यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन हो तो होती है ओशन वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आपस में मिलती हैं वहां पे फिश के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल कंडीशन सुटेबल कंडीशन होती है और वो फिशरीज के लिए एक बड़ा ग्राउंड होता है हमारे यहाँ पे ठीक है तो ये मैप आप देखो इसमें कुछ आ, जो है कल्फ आ, कुछ स्ट्रीम्स की बात की गई है कुछ ओशन करेंट्स की बात की गई है ओश, ओशन करेंट्स को हम लोग देख लो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करेंट्स कौन कौन सी हैं देखो ये हमारा जो ओशन है ये है पैसिफिक ओशन ये वाला ओशन और ये मिला करके पैसिफिक ओशन ठीक है ये ओशन हमारा जो है वो अटलांटिक ओशन है ये पूरा ठीक है और ये हमारा है इंडियन ओशन

फाकलैंड करंट और वेंगुएला करंट ये सारी करंट किसकी हैं अटलांटिक ओशन की इंडिया में अगुलहास करंट ठीक है ये इंडियन ओशन का एक इंपॉर्टेंट करंट है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और इधर मैंने आपको क्वरोशिओ और ओयोशिवो के बारे में बताया ठीक है तो देखो इन करेंट्स का या ओशनिक करंट्स जो होती हैं इनका अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इवन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मेन एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ocean, या ओशनिक करंट कौन -कौन अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसमें कि कहा से क्वेश्चन जो है वो आपसे एक्सरसाइज में बनता है तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अब उसके बाद में हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं देखो आपसे यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया है और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सारे आपने अगर किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे सब पूछे वट इज द प्रेसिपिटेशन तो पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है ठीक है प्रेसिपिटेशन में रेनिंग को शामिल किया जाता है लेकिन सिर्फ रेनिंग ही प्रेसिपिटेशन नहीं होती प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला वाटर वो किस फॉर्म में होगा वो होता है वाटर वेपर फॉर्म में यानी फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला वाटर वेपर अगर हमारे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में आने की वजह से यानी किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के आने की वजह से अगर वो किसी भी फॉर्म में अर्थ की तरफ आता है वो चाहे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाए या वो चाहे लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन यानी इसी को क्या बोलाता है प्रेसिपिटेशन यानी अगर कहीं पे हेल फॉलिंग हो जाए शीट फॉलिंग हो जाए स्लीट फॉलिंग हो जाए या स्नो फॉलिंग हो जाए जैसे जम्मू कश्मीर में स्नो फॉलिंग हो रही है स्नो फॉलिंग हो रही है तो स्नो फॉलिंग में क्या आ रहा है स्नो आ रहा है और स्नो क्या है वाटर का एक फॉर्म है लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है वहीं कुछ फॉर्म में आ रहा है सॉलिड फॉर्म में तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत अगर नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ पे आओ तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम लोग रेनिंग कहते हैं लेकिन अगर ऊपर से ही सॉलिड फॉर्म में ही वाटर के साथ में हमारे सॉलिड फॉर्म में ही वाटर जो है आइस आने स्टार्ट हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं उसको हेल फॉलिंग कहा जाता है तो कहने का सेंस यहाँ पे वट इज प्रेसिपिटेशन ये आपको समझ में आ गया प्रेसिपिटेशन क्या होता है वाटर साइकिल क्या होती है मैंने आपको बताया यहाँ पे वाटर साइकिल में क्या होता है कि हमारे ओशनिक पार्ट पे जो पाए जाने वाला वाटर है उसका इवोपरेशन होता है इवोपरेशन के बाद में वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है विंड्स के द्वारा वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उसका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होकर के वो हमारी सरफेस पे दोबारा से आता है तो यानी वाटर जो कि अभी सरफेस पे है वो क्या होता है साइकिल करके या वो मूव करके उस कहाँ पे जाता है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से फिर बारिश के थ्रू फिर सरफेस पे आता है और सरफेस से फिर मूव करते हुए जाता है अब आप सोचो कि अगर गंगा रिवर का जो वाटर है ठीक है गंगा रिवर का वाटर यानी अगर नॉर्थ इंडिया के प्लेन में बारिश हो रही है यानी नॉर्थ इंडियन प्लेन में बारिश हो रही है अब वो बारिश में गंगा रिवर के वाटर यानी वो बारिश का पानी गंगा रिवर वाटर में चला गया अब गंगा रिवर वाटर उस पानी को ले जाकर के इंडियन ओशन तक पहुंचा दिया यानी कहां तक तो तक पहुंचा पहुंचा दिया दिया इंडियन ओशन अब इंडियन ओशन से वो वाटर फिर से क्या होगा होगा और हो सकता है कि कि उस बारे, उस बार वाटर से जो कि अभी गंगा रिवर में या नॉर्थ इंडिया में था वो बारिश जाकर के अफ्रीका के किसी क्षेत्र में बारिश होना स्टार्ट हो जाए तो यानी आप सोचो कि वही वाटर पार्टिकल जो कि इंडिया में अभी था वही अब मूव करके कहा चला गया अफ्रीका में हो सकता है कि उधर से वो किधर चला जाए किसी वेस्ट वर्ल्ड रिवर के थ्रू वो पैसिफिक ओशियन के रीजन में चलाए अटलांटिक से वो अमेरिका के रीजन में चला जाए तो कहने का मतलब होता है कि वाटर जो है उसका एक मूवमेंट होता है एक साइकिल होती है और इस हम लोग क्या बोलते हैं वाटर साइकिल जिसमें वाटर जो है वो सरफेस से एटमोसफेयर और एटमोस्फेयर से सर्फेस इस तरीके से एक साइकिल मूवमेंट करता रहता है ठीक है वॉट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेवस ठीक है क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो वेब्स के हाइट को अफेक्ट करते हैं देखो यहां से सीधा सीधा अगर आप एम पी पी एस सी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हो या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हो ठीक है आरपीएससी में जो आर का एग्जाम होता है या आप कोई दूसरा एग्जाम देते हो या आप सोच लो यहां से जो है वो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ सकता है यही सेम क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में यूपीएससी में आ सकता है 125 वर्ड्स में लिखने के लिए या स्टेट में उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आ सकता है यूपीएससी में मेन एग्जामिनेशन में आपसे जनरल स्टडीज में पूछा जा सकता है सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेब्स ठीक है यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेब की हाइट को जो है वो अफेक्ट करते हैं वर्ड इन्फ्लुएंस किसका किसका है तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस में प्रैक्टिस करने होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे एनर्जी तो ले होती, होती है ठीक है यहां पर क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होते हैं एनर्जी ट्रांसफर यानी एनर्जी की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वेव्स की हाइट उतनी ही ज्यादा होती ही चली जाएंगी तो ऐसे कंडीशन में

ओशन करेंट के के अच्छा ठीक, ठीक है ये ओशन करेंट क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने अभी देखा कि क्या होते हैं तो जब आप इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लो चैप्टर को समझ लो तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो और अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं तो आप उस चीज को जो है यहाँ पे आकर के आप कमेंट बॉक्स में तो इस क्वेश्चन को हम लोग जिन जिन क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं उनको आप बताइए जिससे हम लोग उसको सॉल्व करवा देंगे तो जैसे हम क्लास सेवन के एनसीआर खत्म करेंगे तो वैसे आपका एक क्लास सेवन के एनसीआर का टेस्ट होगा ठीक है वो जिसमें पूरी क्लास सेवन के एनसीआर के कई सारे टेस्ट होंगे जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे उस टेस्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेगा और हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं में से मिले आपको ठीक है अब रीजन पूछा गया ओशन वो वाटर सॉल्टी क्यों होता है ठीक है ये आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी ओशियन वाटर सॉल्टी क्यों होता है देखो यहां पे एम सी कर लेते हैं एक दो ये, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशन एटमोसफेयर एंड द लैंड फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर वन का कमेंट बॉक्स में आंसर करिए The process by which water continually changes its form and circulates between the ocean atmosphere and the land. ठीक है तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है वाटर साइकिल जनरलींट ओरिजिनेट ठीक है अगर आपने वो कॉन्सेप्ट करेंट ऑरिजिनेट नियर तो वॉम ओशन करेंट होगा तो, near, तो, हो तो कहां, पे जन, हो हो कहां पे जनरेट हो रहा होगा इक्वेटर के आसपास में ठीक है यानी पे जनरेट होगा इक्वेटर के आसपास में द रिदमिक राइस एंड फॉल ऑफ ट्वाइस इन अ डे सेम वहीं से उठा करके दे दिया गया दैट इज कॉल्ड द ठीक है टाइट अब इसके बाद में मैच द फॉलोइंग्स कुछ यहां पे फॉलोइंग यानी यहां पे मैच कराना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या मैच द फॉलोइंग्स क्या क्या है फर्स्ट इज द कैस्पियन सी सेकेंड इज द टाइट सुनामी एंड ओशन करेंट ठीक है अब यहां पे देखो कैस्पियन सी क्या है इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं देखो कि इसको कैसे मैच कराना है टाइट क्या होता है टाइट अपी आपने देखा तो टाइट में आपने देखा कि टाइट क्या होता है फॉल ऑफ वाटर सुनामी क्या होती है ये तो, uh, match the following match ही ऑलरेडी ठीक है ये सही है सारे एक दूसरे के सामने यानी ये कैस्पियन जो है इसको हम लोग लार्जेस्ट लेक मानते हैं टाइड जो है पीरियोडिक राइज एंड वाटरफॉल होता है सुनामी स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स होती हैं एक्चुअली जो है वो स्ट्रॉन्ग सीस्मिक वेव्स ये नहीं होती हैं ये इस, आ, उसके द्वारा जब सीस्मिक वेव्स आकर के हिट करती हैं तो फिर दोबारा जनरेशन होता है तो ये हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओशन करेंट क्या होता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग है डेफिनेट डायरेक्शन ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है वाटर से रिलेटेड पूरा चैप्टर था बाकी आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट आपका जो चैप्टर होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और ये चैप्टर जो है हमारा वो क्या है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे आपको यहाँ पे बेस प्रोवाइड होगा और इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं और अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आप पहले से एक बार खुद ऐसे हल्की सी रीडिंग कर लेना जिससे कल जब डिस्कशन करें तो आपको और और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है? तो और जिन लोगों ने अभी तक एनसीआरटी के आज ज्वाइन किया है या जिनको पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी वो सभी लोग क्या करें एनसीआरटी के क्लास सिक्स से लेकर हमने क्लास सिक्स में जितने भी चैप्टर है ज्योग्राफी के उनको सबको ऐसे डिस्कस किया है लाइन लाइन, लाइन लाइन वाइज वाइज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया रहे आपके सामने बुक रहे तो आपको यह पता रहे कि हाँ कहां अगर मैं इसको अपने तरीके से करूंगा तो हो सकता आपको है आपको कॉन्फिडेंस ना आए बट लाइन वाइज लाइन से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने एनसीआर को कवर किया हुआ है साथ ही साथ में क्लास सिक्स पूरा क्लास सेवेंथ के पांच चैप्टर पहले हो चुके हैं तो आप उनको सारे चैप्टर्स को कवर कर लेना और फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मैक्सिमम जितने इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं जो ऐप पे हैं वो सारे के सारे एनसीआरटी की क्लासेस को ज्वाइन कर लें ठीक है यहाँ पे आप पर डे आपकी क्लास जो है वो जोग्राफी की तीन से चार पर डे एक घंटे की क्लास होगी एनसीआरटी की तो आपको ये क्लास जो है वो साथ ही साथ में ज्वाइन करते रहना है यानी साथ ही साथ में इस क्लास को कंटिन्यू करते रहना है ठीक है तो जितने लोग हैं वो सारे लोग इसको ज्वाइन कर लें और जितने लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जिससे वो सभी लोगों को पता चल जाए स्पेशली जो लोग बेटा कोर्स एनसीआरटी का तो हम लोग लगभग लग लग एक चैप्टर डेली कर रहे हैं अब आप उसके हिसाब से काउंट कर लो कि हम लोग जो है वो जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करेंगे कोर्स इतनी जल्दी खत्म कर देंगे कि आपको पर्याप्त रिविजन का मौका मिल जाएगा ठीक है तो थैंक यू सो मच कल नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच